सब गाड़ी का सिस्टम साइड वगैरह सब उल्टा सिस्टम है। पर वो तो कोई बात नहीं है, जिसको चलाना आता है वो बात होगी ना, नाचना नहीं आता वो देखना देता, चलाना आता वो वहाँ पर भी चला सकता है, पर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था इतना ट्रैफिक में चलाने का। और अभी जा रहे हैं इससे गोली की तरह जा रहे हैं हम, बहुत जमी हुई जा रही गाड़ी। वैसे भी हमारे पीछे अरबना लोड है जिसमें दो घोड़े लोड है, नहीं तो हम भी ट्रक वाला ही इतना लोड लेके 100 से ऊपर भाग रहा है, पता नहीं आगे जाकर क्या करेगा। पंखो बंद करो सनी, पंखो बंद कर दे। ये तो है, 3 लोग और 6 यहाँ पर प्रगति पर, 2 यहाँ पर बाहर वेटिंग में चल रहे हैं। अगर आदमी की और जरूरत पड़े तो आप बुला सकते हो। बहुत ही बढ़िया, एक रिसेप्शन के लिए 4 लोग इसको चाहिए, 5 हो तो भी चलेगा। और ये ओके हो गया है, एक लगा के डॉग साहब इधर आए हैं और दूसरा रिजेक्शन लेके जा रहे हैं। ये सुसु का है, सुसु का पेशाब मत बोला आप, सुसु। आदमी कानों के लटक रहे हैं घोड़ी के। और ये दूसरा इजेक्शन प्रगति पर, दिखाई नहीं दे रहे हैं। डॉग साहब किधर गए? मुर्शद, मुर्शद किधर गया? ये बड़ा डायलॉग, हबीबी मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतने लोग इस पर किस कर रहे हैं, क्या आदमी है, वाह वाह, क्या लोग ऐसे उलट गए हैं देखो। और ये मुदी यार ऑपरेशन सक्सेसफुल, और ये घोड़ी को छोड़ते हुए बाहर आ रहे हैं सब। बोले इंटरव्यू एक हो गया है और इस डॉक्टर साहब ने दूसरा लगाया है। हाथी सिंह कैसा रहा सफर? सफर की देखो ये आप तो काले हो गए इधर भी, ये पंचर आज ही होना था क्या? नासिर बाबू को फट गया ये, नासिर बाबू को बोलो थोड़ा खर्चा करे, अब आप प्रतिबंध रख सकते हैं निकट वगैरह। पता है जगह देख लो सही। अब हम जा रहे हैं और कुवैत की तरफ और बढ़ते हुए आगे। और क्या होता है ट्रैफिक ज्यादा है और हमें नए ड्राइवर कुवैत के बहुत झंडे गाड़े हैं जहाँ पर हमारा बरबर ठुक रहा है एकदम, फटेगा तो अब एक भी लेके जाना पड़ेगा एक टायर पे धीरे धीरे। बोलेंगे नासर बाबा को थोड़ा खर्चा करे, एसी चला देते हैं थोड़ा, सब लोग गर्म हो गए, 3 पे रखते हैं एसी खुद, एसी खुद रहेगा थोड़ा दिमाग ठंडा रहेगा। हाँ अभी हवा आई ना, अभी आई ना हवा बिड़ू। ट्रक वाला पीछे पीछे आ रहा है, अरे अरे घोड़ के थोड़े आप ठंड है घुस जाएगा घोड़ के आप थोड़ा देना। दोस्तों आज हमारा क्या पहले तो हो गया था टायर पंचर और फिर बाद में आगे आया तो टायर फट गया, एक स्टेप थी वो लगाई तो उसकी हवा कम थी, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगी तो अभी यहाँ पर कुवैत के अंदर क्या हर रास्ते पे पंचर वाला मिलता नहीं है, ठीक है ना, तो आज एकदम बराबर तरीके से हम नीचे उतरे थे, हाथी सिंह ने देखा टायर में पहले साइड बैच ग्लास से देखा कि टायर में हवा कम है, फिर हमने सोचा चला जाएगा।
वही पिंचर हो गया, तो एक नया टायर था वो डाला, और उसके आगे वाली जोड़ी भी आज पिंचर होने वाली है, क्योंकि वो भी टायर फटा हुआ है। हो सकता है वही सोचते हैं, उसके बाद हमारे पास है नहीं स्टेप नहीं, और देखते हैं। और आज हम जाने वाले हैं कुवैत में घोड़ा लेके, वहाँ पर पहले आपने वीडियो देखा था हमारा गैलप का, आज वही नज़ारा फिर आएगा आपके सामने, वही नज़ारा वापस सामने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, इधर उधर का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो कुवैत के अंदर ड्राइवरिंग किया हुआ है सिटी के अंदर, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, हमारे को अभी तक एक्सपीरियंस इतना हुआ नहीं। तो हमने आपने हमारे को कैसे बिठा दिया अपने साथ में? भाषा में बोलो जैन, एकदम पुराना आदमी जो चलाता है ना उसी हिसाब से चलाया, बहुत बढ़िया। कौन सी लैंड में कितनी चलेगी, कौन सी लैंड में कितनी चलेगी, वो पूरा पूरा मालूम है। मैं आदमी का टैलेंट है, आदमी टैलेंट है, एकदम टैलेंटेड है। हाँ, तो ये आपके बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको पता है कि ये क्या बोल रहे हैं? मेरे हाथों में आंसू आ गए। क्या बात है, मेरी तारीफ की। बढ़िया बढ़िया, बड़े भाई है ना, बड़े भाई का फर्ज निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब ऊपर के मन से आपकी वो प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, नहीं ऊपर के मन से नहीं, सही गया था गाड़ी, पूरा पूरा भरोसा है आपके ऊपर, टेंशन मत लो, पूरा भरोसा आपके लिए। एक छोटी सी जिंदगी दांव पर लगा देंगे और क्या। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, ये इतनी तक मैंने देख लिया आपकी ड्राइविंग बहुत बढ़िया है। आपको 35 में से 25 देते हैं, तो वो पीछे वाले मैंने ऐसे ही काट लिए पूरे, 65 है कितने, वो पूरे काट लिए। कुवैत में भी ड्राइविंग करना जिसको स्किल है ना, गांव में, गांव में जो बंदा ड्राइविंग करता इधर आता ना वो, और यहाँ पर बहुत चेंज है। कोई बोलता ना कुवैत में ड्राइविंग करना आसान है, वैसे आसान नहीं है। कोई फेंक देता है मेरे जैसे कि हाँ क्या है, कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप घरेलू तो वीजे पे ड्राइविंग पे आओगे ना, इधर बहुत एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। अगर आप नेशनल अपने इंडिया में गाड़ी चलाया हुआ है नेशनल परमिट वाला, तो आप यहाँ पर एकदम फिट हो, नहीं तो भाई मेरी ख्याल से पहले तुम नेशनल परमिट लेके गाड़ी का उधर ही चलाओ, नेशनल चला दिया वो बंदा इधर नहीं अटक सकता, ठीक है ना। वैसे तो हम भी नहीं अटक रहे, पर मैं यहाँ पर बहुत पुराना हूँ और मेरे को एक्सपीरियंस है लगभग यहाँ पर 8 साल का कुवैत नॉलेज है कुवैत के बारे में, तो मेरा तो जम जाता है। नया बंदा आता ना उसको अरबी आती नहीं है, लफड़ा हो जाता है। और अभी जा रहे हैं इससे गोली की तरह जा रहे हैं हम, बहुत जमी हुई जा रही गाड़ी। वैसे भी हमारे पीछे अरबना लोड है जिसमें 2 घोड़े लोड है, नहीं तो हम भी ट्रक वाला ही इतना लोड लेके 100 से ऊपर भाग रहा है, पता नहीं आगे जाकर क्या करेगा। हमारे पीछे अरबना है, नहीं तो हम भी ऐसे चलते। नहीं नहीं भाई, 120 से ऊपर चलाएंगे ना फाइन कट जाता है, सीधा सीधा इंडिया का 20,000 रुपए का। बस बहुत बढ़िया, गुलपी खा रहे हैं बंदे और बार बार आगे आ रहे खा रहे हैं, क्या है आज ट्रक वाला तो बहुत अपनी स्पीड से चल रहा है, अपनी कितनी 100 से कम चल रही है, 99 चल रही है, ये देखिए जी आप, बंदा एकदम गारंटेड चल रहा है। बिल्कुल जैसलमेर की तरह दिख रहा है यहाँ पर कुवैत। हमने पूरा साइड ले लिया है हमने।
हाँ कहीं को बीच में घाल दे और बीच में बैठ दे। हम इंडिकेटर टेक साइड दबा लें पर हम इंडिकेटर है मैं यहाँ साइड दबाने जरूरत को ना मैं बैठ दे बस तो आपका एंट्री हो गया हो ना सर बाबा नाम है उसका जो पैसे लेकर इस ट्रक के दुगने तो बात सही है पर अपने पीछे घोड़ों को तोड़ देगा ना ये हमने ले लिया है अपना टन बहुत स्पीड से जा रहा है ये देखो बंदा पेट्रोल है पेट्रोल से भरा हुआ है डेंजर हाई ले आई डेंजर डेंजर बहुत एक्सपीरियंस मूवमेंट बहुत एक्सपीरियंस है लगता रात इतने पाप आपे मारवाड़ कैंपर आल दे लीवड़े पहुंको जाओ सटीट करता सिंगल रोड मा दे मोटरसाइकिल लाए तो मोर ऐसी की तैसी सिटी सेंटर हमने रोड बहुत बढ़िया कवर की है और जो भी घोड़े वाले बंदे हैं यार वो कमेंट करो कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट करके बताओ यार हमारे को भी पता चले कौन कौन आदमी देख रहा है तो जो भी देख रहा है वीडियो हमारा ये तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इतना सा हो कॉमेंट में अपना नाम जरूर लिखे गाँव का या जिले का मसीला 6 नंबर रोड यहाँ पर किलोमीटर नहीं लिखा आता है यहाँ पर खाली गांव का नाम और रोड नंबर आपको देखना रहेगा यहाँ पर ये देखिए और आप लेफ्ट टर्न लेंगे अभी मैं अभी ज्यादा नहीं आया हूँ यहाँ पर 2 बार आया हूँ खाली लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है एक तो 18 फुट की गाड़ी है पीछे अरबड़ा हो जाएगा लगभग 15 फुट हाँ लगभग 18 और 15 20 और 13 33 फीट का यहाँ पर नजारा लेकर चलना पड़ता है और 33 फीट में रोड चेंज करना इधर से इधर साइड में जाना पूरा ध्यान रखना पड़ता है पीछे से यहाँ पर गाड़ी बहुत तेज चलती है ये सबसे पहले सबसे बड़ा मुसीबत की बात है बड़ा नहीं बड़ी मुसीबत की बात है और ये देखो सब टपरी वाले बैठे हैं यहाँ पर कोई ऊंट वाले कोई मतलब लल्डो वाले घोना वाले बकरी पूरा दबा दियो तो हैं मैंने पूरा दौड़ा लेना रुक के पूरा देख हर बोल अब बोल कितना लड़का ले तो भाई लपक तो अब बराबर चल रहा लेकिन आगे वाला टायर अभी बबलिंग कर रहा है धीरे धीरे आगे ने मामा गाली थी कसियो आग लो खोलियो कना तो कसियो आग हवा हाली खाली 45 है ना कम करो तो मन मजो फेको होई आपको एक्सपीरियंस है यस अभी बंद कर दो बैटरी